हाय बच्चों, वेलकम टू पेपर हैकर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने जा रहे हैं बीए पार्ट वन सेकेंड सेमेस्टर का पॉलिटी सब्जेक्ट। बीए पार्ट वन सेमेस्टर का जो है पॉलिटी सब्जेक्ट जो है पॉलिटी करने जा रहे हैं, ठीक है। इसका बहुत सारे बच्चे कमेंट किए हुए थे, तो इसका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन लेके आए हुए हैं हम आज। तो पिछले वीडियो में हमने यूनिट 5 तक क्वेश्चन करा दिया हुआ है, आप लोग को वीडियो देख लीजिएगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ फाइल इसका है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं, या साइट पर जाके जो है वहाँ से आप लोग लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से ले सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है। तो यूनिट 6 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है आज हम लोग आप लोग को कराएंगे यूनिट 6 का, ठीक है। तो बच्चों देखिए, मानव अधिकार दिवस, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 फरवरी, 10 जनवरी, 10 दिसंबर, 10 मार्च, बताइए मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? नंबर ऑप्शन 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। सेकेंड नंबर, समाजवाद एक ऐसे टोप की तरह है जिसकी आकृति भंग हो गई है। जिसकी आकृति क्या हुई है बच्चों? भंग हो गई है, क्योंकि प्रत्येक ने इसे धारण करने का प्रयत्न किया है। उक्त कथन के लेखक हैं डॉक्टर शैडवेल, प्रो बारकर, प्रोसी एम ई जोड़ और रेजमुयर, ये कौन किया हुआ है? टू नंबर बताइए, क्या प्रोसी एम ए जोड़ ये किए हुए हैं। समाजवाद एक टोपे की तरह है, इसकी आकृति भंग हुई है, ये क्योंकि प्रत्येक ने इसे धारण करने का प्रयत्न किया, उपकथन के लेखक प्रोसी एम ई जोड़ हुए, ठीक है। तो देखिए, समाजवाद को साम्यवाद से जो विशेषता पृथक करती है वह है व्यक्ति संपत्ति की समाप्ति, शोषण वर्ग की समाप्ति, धर्म निरपेक्षता, व्यक्ति की अपेक्षा समाज से अधिक महत्व, ठीक है। समाजवाद को साम्यवाद से जो विशेषता पृथक करती है वह क्या है, बताइए। थ्री नंबर ऑप्शन को देख सकते हैं आप, बताइए क्या है थ्री नंबर ऑप्शन? धर्म निरपेक्षता, ये वाद को साम्यवाद से जो विशेषता पृथक करती है वह है धर्म निरपेक्षता, ठीक है। फोर नंबर ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, फोर नंबर क्वेश्चन, स्थानीय राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सभी क्षेत्रों में, स्थानीय राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सभी क्षेत्रों में प्रतियोगिताओं के स्थान पर सहयोग को जो विचारधारा प्रतिपादित करती है वह है, सहयोग को जो विचारधारा प्रतिपादित करती है वह है समाजवाद, व्यक्तिवाद, पूंजीवाद, फासीवाद, कौन है बताइए? फोर नंबर का ऑप्शन जो है वो समाजवाद है, स्थानीय व राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सभी क्षेत्रों में प्रतियोगिता को सफल करती है वो कौन है? समाजवाद, ठीक है। राज्य में किसी भी तरह की सरकार को अनावश्यक या अवांछनीय किस विचारधारा के अंतर्गत माना जाता है? किस विचारधारा के अंतर्गत माना जाता है? समाजवाद, पूंजीवाद, अराजकतावाद, उदारवाद, किस विचारधारा के अंतर्गत माना जाता है बच्चों बताइए? फाइव नंबर का जो है वो अराजकतावाद, अराजकतावाद के अंतर्गत माना जाता है। विलियम गॉडविन निम्नलिखित में से किस विचारधारा से संबंधित हैं? अराजकतावाद, गांधीवाद, समाजवाद, पूंजीवाद, विलियम गॉडविन किस से संबंधित हैं बच्चों बताइए? विलियम गॉडविन अराजकतावाद, अराजकतावाद से संबंधित है, विलियम गॉडविन जो है इससे से संबंधित है। अराजकतावादी निजी संपत्ति के स्थान पर सामुदायिक संपत्ति के समर्थक हैं। सेवन नंबर क्वेश्चन, अराजकतावादी निजी संपत्ति के स्थान पर सामुदायिक संपत्ति के समर्थक हैं, ये किसने कहा है, कौन समर्थक है बताइए? सेवन नंबर जो है क्या होगा, सत्य है या असत्य है ये बताना है। सेवन नंबर जो क्वेश्चन है वो जो है सत्य है, अराजकतावादी निजी संपत्ति के स्थान पर सामुदायिक संपत्ति के समर्थक हैं। स्त्री के शोषण को अंत एवं स्त्री पुरुष की समानता को स्थापित करना चाहता है व्यक्तिवाद, नारीवाद,
अराजकतावाद, राष्ट्रवाद, पता 8 नंबर जो है क्या है, नारीवाद। नारीवाद जो है स्त्री के शोषण और अंत स्त्री पुरुष को समानता स्थापित करना चाहता है। क्या नारीवाद पुरुष प्रधान समाज के प्रति विद्रोह का शंखनाद है? नारीवाद जो है वो पुरुष प्रधान समाज के प्रति विद्रोह का शंखनाद है। सत्य असत्य बताइए क्या होगा? 9 नंबर जो है क्या होगा इसका आंसर बच्चों? सत्य है, प्रधान के प्रति समाज के प्रति विद्रोह का शंखनाद है। ठीक है, विडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ ह्यूमन पुस्तक के लेखक कौन है? विडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ ह्यूमन पुस्तक के लेखक हैं मेरी वॉल्सन क्रॉफ्ट, सिमोन द ब्राउजर, जे एस मिल और शिल रोबाथम, ये कौन है? 10 नंबर जो है इसका मेरी वॉल्सन क्रिफ्ट जो है ये विडिक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमन पुस्तक के लेखक हैं। उन्नत एवं शक्तिशाली देश द्वारा किसी पिछड़े राष्ट्र पर अपना प्रभुत्व व प्रशासन स्थापित कर लेना किस विचारधारा के अंतर्गत आता है? यह किस विचारधारा के अंतर्गत आता है बताइए? किस विचारधारा के अंतर्गत आता है? पूंजीवाद के, पूंजीवाद पर कि उपनिवेशवाद पर कि समाजवाद पर कि राष्ट्रवाद पर? तो बता सकते हैं किस पर आता है यह स्थापित कर लेना किस विचारधारा के अंतर्गत आता है बताइए? उपनिवेशवाद पर, उपनिवेशवाद पर आता है बच्चों। भारत निम्नलिखित में से किसका उपनिवेशिक निवेशक राज्य है? ग्रेट ब्रिटेन का, अमेरिका का, जापान का और रूस का? किसका उपनिवेशक राज्य है भारत? ग्रेट ब्रिटेन का, उसी का उपनिवेशक राज्य रहेगा, उसका गुलाम हुआ था। तो बच्चों राष्ट्र हित को अन्य सब हितों से ऊंचा स्थान दिया जाता है। राष्ट्रभक्ति जो है बहुत होनी चाहिए, राष्ट्रभक्ति जो है सब भक्ति से ऊंचा राष्ट्रभक्ति को स्थान दिया गया है। ये परंपरावाद में, अंतरराष्ट्रवाद में, मार्क्सवाद में, राष्ट्रवाद में बताइए क्या होगा? 13 नंबर जो है वो राष्ट्रवाद में होगा, राष्ट्रवाद में। राष्ट्रवाद संपूर्ण मानवता के बारे में सोचने को प्रेरित करता है। राष्ट्रवाद जो है संपूर्ण मानवता के बारे में सोचने को प्रेरित करता है। सत्य है या असत्य है बताइए? सत्य है या असत्य है? ये असत्य है, संपूर्ण मानवता के बारे में सोचने को प्रेरित नहीं करता। 15 नंबर क्वेश्चन देते हैं, आर्थिक क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय निगमों के विस्तार को बढ़ावा दिया जाता है। विस्तार को बढ़ावा दिया जाता है क्या? उदारीकरण में, भूमंडलीकरण में और निजीकरण में, सरकारीकरण में? पति 15 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या होगा बच्चों? भूमंडलीकरण में, भूमंडलीकरण में। ठीक है, राज्य या कोई अन्य सामाजिक संस्था व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति राज्य अथवा अन्य किसी संस्था के लिए नहीं है, किसके अनुसार है? यह व्यक्तिवादी विचारधारा के, समाजवादी विचारधारा के, पूंजीवादी विचारधारा के, कि मार्क्सवादी विचारधारा? बताइए। 16 नंबर जो है बच्चों वो किस विचारधारा के है? व्यक्तिवादी विचारधारा, व्यक्तिवादी विचारधारा के संस्था के लिए नहीं है, ये किसके में? व्यक्तिवादी विचारधारा। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की विश्वसनीय घोषणा की गई है, मानव अधिकारों की विश्वसनीय घोषणा की गई है, जनवरी 1950 में, दिसंबर 1948 में, मार्च 1945 में और जनवरी 1948 में। 17 नंबर जो क्वेश्चन है बच्चों, दिसंबर 1948 में जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की विश्वसनीय घोषणा की गई है। ठीक है, मानव अधिकारी के विश्वसनीय घोषणा पत्र में कुल कितने अनुच्छेद हैं? मानव अधिकारी के विश्वसनीय घोषणा पत्र में जो है कुल कितने अनुच्छेद दिए गए हैं? 395 अनुच्छेद, 30 अनुच्छेद, 65 अनुच्छेद, 10 अनुच्छेद बताइए। 18 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या होगा? 30 अनुच्छेद, 30 अनुच्छेद जो है ये मानव अधिकारों के विश्वसनीय घोषणा पत्र में कुल 30 अनुच्छेद दिए गए हैं, 18 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या कह रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन,
देखिए ध्यान दीजिएगा, 19 नंबर क्वेश्चन, उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है, उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है, यह व्यक्तिवाद में, समाजवाद में, पूंजीवाद में, उदारवाद में। बताइए, उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है व्यक्तिवाद में, समाजवाद में, पूंजीवाद में, उदारवाद में, क्या होगा? 19 नंबर जो है वो पूंजीवादी में जो है ये व्यक्ति उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है पूंजीवादी में, ठीक है। पूंजीवादी तंत्र चलाया जाता है, पूंजीवादी तंत्र चलाया जाता है लाभ के लिए, उपकार के लिए, समाज सेवा के लिए कि अत्याचार के लिए। बताइए, पूंजीवादी तंत्र जो चलाया जाता है वो किसके लिए चलाया जाता है, बताइए क्या होगा? लाभ के लिए, लाभ के लिए चलाया जाएगा पूंजीवादी तंत्र, ये तो कंपलसरी है। साम्राज्यवाद पूंजीवादी का अंतिम चरण पुस्तक के लेखक कौन है? स्टालिन, लेनिन, माओत्सेतुंग, हिटलर, बताइए क्या होगा? 21 नंबर जो होगा वो लेनिन जो है, इस साम्राज्यवाद पूंजीवाद के अंतिम चरण के पुस्तक, ठीक है। यूनिट 7 देखते हैं बच्चों, वीडियो के नीचे लिंक बॉक्स दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप लोग जो है आसानी से वहां से जो है इसका PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यूनिट 7 नंबर में देखते हैं बच्चों क्या है, यूनिट 7 नंबर में अब्राहम लिंकन जो है ने परिभाषित किया है, अब्राहम लिंकन ने क्या परिभाषित किया है बच्चों? तानाशाही, लोकतंत्र, सरकार, स्वतंत्रता, क्या प्रस्तुत किए हैं? फर्स्ट नंबर देखिए, लोकतंत्र, अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र ही ना प्रस्तुत किया है बच्चों। अब्राहम लिंकन क्या प्रस्तुत किया है? लोकतंत्र। भारत में कौन सी सरकार है, भारत में कौन सी सरकार है, ठीक है। तो एकात्मक, संघात्मक, संसदीय, अध्यक्षात्मक, मतलब भारत में जो है कौन सी सरकार है ये बताना है। तो एकात्मक, संघात्मक, संसदीय, अध्यक्षात्मक, तो संसदीय सरकार है बच्चों, ये दिया हुआ है यहाँ पे ना कि संसदीय सरकार जो है भारत में है, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ तो बच्चों देखते हैं ये यहाँ पर जो है थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, पुरुषों के जीवन में युद्ध का वही स्थान है जो स्त्री के जीवन में मातृत्व का है, यह कथन किसका है, ठीक है। हिटलर का, मुसोलिनी का, कोल का, बार्कर का, ठीक है। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है बच्चों कि पुरुषों के जीवन में युद्ध का वही स्थान दिया गया है जो स्त्री के जीवन में मातृत्व का दिया गया है, ये बता रहा है। तो यहाँ पे ये कौन बोले हैं? हिटलर बोले, हिटलर। फोर नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, संसदीय शासन में राज्य का प्रधान होता है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, बहुदल, विपक्षी दल। संसदीय शासन में जो है राज्य का प्रधान कौन होता है, बताइए। फोर नंबर का क्या होगा? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति जो होता है वो राज्य का प्रधान होता है। अध्यक्षात्मक शासन को कहते हैं असंसदीय शासन व्यवस्था, मंत्रिमंडल सरकार, उत्तरदायी सरकार, संसदीय शासन, बताइए अध्यक्षात्मक शासन को क्या कहते हैं। फाइव नंबर जो है ये क्या होगा? असंसदीय शासन व्यवस्था बोलते हैं इसको, असंसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन में मंत्रिमंडल की बैठक कौन करता है? राष्ट्रपति, स्पीकर, प्रधानमंत्री, मंत्री, कोई भी। सिक्स नंबर क्या होगा बताइए? सिक्स नंबर का जो है वो प्रधानमंत्री जो है संसदीय शासन मंत्रिमंडल की बैठक करता है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है क्योंकि भारत में संसद की सर्वोच्चता है, भारत में कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी है, कि न्यायिक पुनर्वलोकन का अभाव है, कि शासन संचालन संसद करती है। सेवन नंबर जो है बहुत अच्छा सब क्वेश्चन है, तो ये सब ध्यान देते रहिएगा और ये टॉपिक वाइज टॉपिक इसको माइंड में फिट करते जाइएगा और
पेपर क्रैक कर दीजिएगा। भारत में कार्यपालिका संसद के प्रति जो है उत्तरदायी है, ये ब नंबर हो जाएगा। ठीक है, एट नंबर देखते हैं बच्चों, एट नंबर क्या कह रहा, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। ठीक है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली भारत में है, ब्रिटेन में है, अमेरिका में है, नेपाल में है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या होगा, अमेरिका में है। अमेरिका में जो है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली कहलाती है, उत्तरदायी शासन, मंत्रिमंडलात्मक शासन और तथा ब दोनों, इनमें से कोई नहीं, बताइए, सोच के बताइए क्या होगा। नाइन नंबर का जो है और ब दोनों होगा, स नंबर ये, उत्तरदायी शासन और मंत्रिमंडलात्मक शासन, ये दोनों व्यवस्था संसदीय शासन प्रणाली में है। ठीक है, संसदीय शासन का उदाहरण है भारत, इंग्लैंड, जापान, कनाडा, बताइए कौन है। संसदीय शासन का उदाहरण जो है इंग्लैंड से ही लिया गया है ना, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ली गई है भारत में, तो संसदीय शासन का उदाहरण है इंग्लैंड। भारत का संविधान है पूर्ण रूप से संघात्मक, पूर्ण रूप से एकात्मक, एकात्मक की ओर संघा झुका संघात्मक, अध्यक्षात्मक, पूर्ण रूप से संघात्मक होगा, ये क्या होगा, पूर्ण रूप से संघात्मक नहीं, देखिए ये होगा स नंबर, एकात्मक की ओर झुका संघात्मक, एकात्मक की ओर झुका हुआ संघात्मक, सॉरी स नंबर से एकात्मक की ओर झुका हुआ संघात्मक। भारत में है क्या है, भारत में क्या है, देखिए यहाँ एकीकृत न्याय व्यवस्था, दोहरी न्याय व्यवस्था, लचीली न्याय व्यवस्था की कठोर न्याय व्यवस्था, भारत में कैसी न्याय व्यवस्था है बताइए। एकीकृत न्याय व्यवस्था है बच्चों, भारत में है एकीकृत न्याय व्यवस्था। भारत है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, सांप्रदायिक हिंदू राष्ट्र, तानाशाही, बताइए भारत कैसा है। भारत जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक है, संसदात्मक शासन में वास्तविक कार्यपालिका, राष्ट्राध्यक्ष होता है, मंत्रिपरिषद होता है, व्यवस्थापिका होती है, संसदीय समिति होती है। संसदात्मक शासन में वास्तविक कार्यपालिका जो है राष्ट्राध्यक्ष होता है, यही ना होना चाहिए बच्चों, बताइए तो क्या होगा। नहीं, राष्ट्राध्यक्ष तो होता ही है, परंतु मंत्रिपरिषद के सहयोग से ही ना राष्ट्राध्यक्ष कुछ भी करता है, तो इसमें मंत्रिपरिषद हो जाएगा, मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिपरिषद होती है। संसदात्मक शासन के केंद्र बिंदु होता है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, नौकरशाह, बताइए। 15 नंबर जो क्वेश्चन है बच्चों, उसमें विधायिका होती है, संसदात्मक शासन केंद्र बिंदु विधायिका होगी। आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन बच्चों, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, सब एक के लिए एक सबके लिए, यह किस शासन प्रणाली में लागू होती है। सब एक के लिए और सब एक के लिए और सबके लिए एक, यह किस शासन प्रणाली में लागू होती है। संसदात्मक, अध्यक्षात्मक, एकात्मक, संघात्मक, तो संसदात्मक शासन प्रणाली में लागू। ठीक है बच्चों, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह किसका कथन है। कैनेडी, विल्टन, लिंकन, विल्सन, पति बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत फेमस प्रश्न है ये जो है, ये कौन बोला है बताइए। लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है, ये कौन बोले हैं, लिंकन बोले हैं, अब्राहम लिंकन। ठीक है, 18 नंबर देखिए, लोकतंत्र 20वीं शताब्दी का एक जंगी नारा बन चुका है, प्रत्येक व्यक्ति लोकतंत्र की दुहाई देता है, यद्यपि सभी ने अपने अपने ढंग से उसकी व्याख्या की है, यह कथन किसका है। कॉर्ल फ्रेडरिक का, कोल का, मिल का और मैकाबियर तथा पेज का, पते 18 नंबर जो क्वेश्चन है वो किसके द्वारा है, कॉल फ्रेडरिक के द्वारा, कॉल फ्रेडरिक के बोले हों। प्रतिनिधित्वात्मक शासन पर विचार ग्रंथ के लेखक का नाम है, जेएस मिल, कोल, लॉस्की, बेंथम, बताइए कौन है। 19 नंबर का बच्चों क्या होगा बताइए, जेएस मिल, जेएस मिल जो है प्रतिनिधित्वात्मक शासन पर विचार ग्रंथ के लेखक हैं, कौन, जेएस मिल। 20 नंबर देखते हैं, 20 नंबर क्या कह रहा है,
संविधान, संवैधानिक लोकतंत्र के प्रमुख लक्षण कौन से हैं? संवैधानिक लोकतंत्र के प्रमुख लक्षण कौन से हैं? ठीक है, लिखित संविधान व सर्वशक्तिशाली विधान व्यवस्था, बहुमत का शासन तथा नागरिक स्वतंत्रता, संघवाद तथा शक्ति का प्रत्यायोजन, मूल अधिकारों की वरीयता। 20 नंबर जो है क्या होगा बच्चों, कि बहुमत का शासन तथा नागरिक कर्तव्यता स्वतंत्रता, ये होगा बहुमत का शासन तथा नागरिक स्वतंत्रता, संवैधानिक लोकतंत्र के यही लक्षण है। निम्नलिखित में से कौन सा गणतंत्रात्मक संविधानों का लक्षण है? लोकतंत्र, शासन का संघात्मक रूप, निर्वाचित राज्याध्यक्ष और संसदात्मक शासन प्रणाली, कौन है? निम्नलिखित में से कौन सा गणतंत्रात्मक संविधानों का लक्षण है? तो वो हो जाएगा निर्वाचित राष्ट्र अध्यक्ष, निर्वाचित राज्याध्यक्ष हो जाएगा। लोकतंत्र का भी अभिजन सिद्धांत किस वर्ग से संबंधित है? लोकतंत्र का अभिजन जो सिद्धांत है वो किस वर्ग से संबंधित है? सामान्य वर्ग, विशिष्ट वर्ग, पिछड़ा वर्ग, मध्यम वर्ग, बताइए किस वर्ग से संबंधित है लोकतंत्र का अभिजन सिद्धांत? विशिष्ट वर्ग से संबंधित है। ठीक है बच्चों, विशिष्ट वर्ग। निम्नलिखित में से दबाव समूह के अंतर्गत नहीं आता है? उपभोक्ता समूह, शिक्षक संघ, श्रमिक संघ, भारतीय जनता पार्टी। दबाव समूह के अंतर्गत कौन नहीं आता है बच्चों? भारतीय जनता पार्टी जो है दबाव समूह के अंतर्गत नहीं आता है। 24 नंबर देखते हैं, दबाव समूह के वर्गीकरण की व्याख्या की है? दबाव समूह के वर्गीकरण की व्याख्या की है आमंड, सिसरो, मैकावियर और ग्रीन, कौन किया है बताइए? 24 नंबर जो है, आमंड जो है वो दबाव समूह के व्याख्या किए हुए हैं। ठीक है, आमंड दबाव समूह के वर्गीकरण की व्याख्या किए हैं। ठीक है, आमतौर पर दबाव समूह किन तकनीकियों का प्रयोग नहीं करते हैं? अनुनय का, सौदेबाजी का, प्रत्यक्ष कार्रवाई का और नीति का। नीति का जो है तकनीकियों का प्रयोग नहीं करते हैं, दबाव समूह नीति के तकनीकियों का प्रयोग नहीं करते हैं। दबाव गुट के लक्षण नहीं है? समिति उद्देश्य, अनिश्चित कार्यकाल, समिति सदस्यता और विकासात्मक प्रक्रिया। दबाव गुट के लक्षण कौन नहीं है ये सब? 26 का क्या होगा? विकासात्मक प्रक्रिया जो है दबाव गुट के लक्षण नहीं है। दबाव समूह किसे कहते हैं? दबाव समूह किसे कहते हैं? सरकारी समूह को, अर्ध सरकारी समूह को, गैर सरकारी समूह को, इनमें से कोई नहीं, बताइए। दबाव समूह किसे कहते हैं? गैर सरकारी समूह को जो है दबाव समूह कहते हैं। प्रेशर ग्रुप ऑफ पॉलिटिक्स, प्रेशर ग्रुप ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक हैं लेनिन, वीरन, प्रो मदन गोपाल गुप्ता और ऑडी गॉड, कौन है बताइए? 28 नंबर जो है ऑडी गॉड जो है प्रेशर ग्रुप ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक हैं ऑडी गॉड। लोकतंत्र का प्राण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? लोकतंत्र का प्राण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? समाचार पत्र, दूरदर्शन, हित समूह, राजनीतिक दल, किससे संबंधित है बताइए? 29 नंबर जो है बच्चों राजनीतिक दल, इससे संबंधित राजनीतिक दल का प्राण राजनीतिक दल से। लोकतंत्र का प्राण जो है राजनीतिक दल से। किसका कथन है दबाव समूह अज्ञात साम्राज्य है? दबाव समूह जो है अज्ञात साम्राज्य है। गार्नर का, डायसी का, लेनिन का, फाइनर का, बताइए किसका यह कथन है? फाइनर का कथन है। दबाव समूह जो है अज्ञात साम्राज्य है, यह फाइनर का कथन है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे राजनीतिक दल का लक्षण कहते हैं? नहीं कहा जा सकता, कहते नहीं, सॉरी, नहीं कहा जा सकता। संगठन को, मूलभूत सिद्धांतों में एकता को, सत्ता प्राप्ति के लिए सभी साधन, संवैधानिक असंवैधानिक सभी साधनों का प्रयोग को, कि राष्ट्रहित की वृद्धि को। ठीक है, 31 नंबर का क्या होगा बच्चों बताइए आप लोग? सत्ता प्राप्ति के लिए सभी साधनों और संवैधानिक और असंवैधानिक सभी साधनों का प्रयोग के लिए। ठीक है बच्चों, प्रजातंत्रात्मक यंत्र के चालन में राजनीतिक दल
तेल के तुल्य है, यह कथन किसका है? कहीं कोचिंग पढ़ने जाने की जरूरत नहीं है, बस इस चैनल को देखते रहिए और इस चैनल के माध्यम से आप सारे ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और जितने भी टोटल हैं वो कंप्लीट करते रहिए सिलेबस, और पास की गारंटी है, ठीक है? इसलिए ध्यान से देखते रहिए, वीडियो में बने रहिए। प्रजातंत्रात्मक यंत्र के चालन में राजनीतिक दल के तेल के तुल्य है, यह कथन किसका है? ठीक है, ब्राइस का, हूबर का, लॉस्की का और लॉवेल का। 32 नंबर जो है वो हूबर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? हूबर का। निर्वाचन आयोग स्वतंत्र निकाय है, प्रधानमंत्री के अधीन है, विधि मंत्रालय के अधीन है, राष्ट्रपति के अधीन है, ठीक है? निर्वाचन आयोग जो है 33 नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? स्वतंत्र निकाय है, स्वतंत्र निकाय। 34 नंबर देखिए, भारत में वयस्क मताधिकार की आयु क्या है? भारत में वयस्क मताधिकार की आयु क्या है बच्चों? 18, 21, 16, 25, बताइए वयस्क मताधिकार की आयु क्या है? इजी सा क्वेश्चन है, 18 साल। 18 साल बाद जो है मताधिकार देने की आयु का आकलन किया जा सकता है, उसमें जो है वो अधिकार प्राप्त हो जाता है। सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का कोई विकल्प नहीं है, ये कथन किसका है? सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का कोई विकल्प नहीं है, यह कथन किसका है? बेंथम, डॉयसी, गॉर्नर और लॉस्की। किसका कथन है बच्चों? लॉस्की का कथन है, ठीक है? इसने कहा है कि एक दल बनाने का अभिप्राय है किसी एक समूह से एक रूपता तथा दूसरे से भिन्नता। न्यूमैन, लॉस्की, लेनिन और गॉर्नर। किसने कहा है बच्चों बताइए? किसने कहा है? न्यूमैन ने बोला है, न्यूमैन ने बोला है कि यह एक दल बनाने का अभिप्राय नहीं है, किसी एक समूह से एक रूपता दूसरे से भिन्नता का अधिकार है, ठीक है? राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है बताइए? राजनीतिक दलों को जो है मान्यता कौन देता है, ये हम लोग को देखना है, ठीक है? तो लोकसभा, राज्यसभा, विधि मंत्रालय और निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग जो है वो राजनीतिक दलों को मान्यता देता है, ठीक है? 38 नंबर देखिए, मतदान, मतदान संपन्न होने के कितने घंटे पूर्व चुनाव प्रचार बंद हो जाता है? 12 घंटे, 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे, तो सभी जानते हैं। कितने घंटे पूर्व बंद हो जाता है बच्चों बताइए? 48 घंटे पूर्व बंद हो जाते हैं, नहीं सॉरी, ये 48 घंटे, ये है ना द नंबर, 48 घंटे पूर्व चुनाव प्रचार बंद हो जाते हैं। 39 नंबर देखिए बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सफलतापूर्वक प्रयोग कब से हुआ? 96 से 97 से 98 से, इनमें से कोई नहीं बताइए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो है प्रयोग कब हुआ? 98 से बच्चों, 98 से हुआ ना, देखते रहिए, ध्यान दीजिए। लौकिकीकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अंतर विवाह के नियम का पालन करना उचित समझा जाता है। अ नंबर ऑप्शन, ब नंबर, औद्योगिकरण के द्वारा उत्पादन में वृद्धि करने का प्रयत्न किया जाता है। स नंबर ऑप्शन, ग्रामीण समुदाय में निवास कार्यक्रमों को लागू करके ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जाता है। द नंबर ऑप्शन, पवित्रता का अर्थ कर्मकांडों की पूर्ति से न मानकर स्वच्छता के नियमों के पालन से समझा जाता है, ठीक है? तो लौकिकीकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो है पवित्रता का अर्थ कर्मकांड की पूर्ति से न मानकर स्वच्छता के नियमों से पालन किया जाता है। 41 नंबर देखिए बच्चों, निम्नलिखित में से लौकिकीकरण का तत्व है? अतार्किकता, अंधविश्वास, धार्मिक का ह्रास और प्रजातंत्र, ठीक है? 41 नंबर बच्चों देखिए वो है धार्मिकता का ह्रास, धार्मिकता का ह्रास। 42 नंबर देखिए, राजनीतिक दल मतदाताओं की भीड़ से उत्पन्न, राजनीतिक दल मतदाताओं की भीड़ से उत्पन्न अव्यवस्था को व्यवस्था का रूप देते हैं, यह किसने कहा है? लॉस्की, लॉर्ड ब्राइस, डुवर्जर और बेजहॉट। राजनीतिक दल मतदाताओं की भीड़ से उत्पन्न अव्यवस्था को व्यवस्था का रूप देते हैं, यह किसने कहा है? 42 नंबर जो है बच्चों
वो हो जाएगा लॉर्ड ब्राइस। लॉर्ड ब्राइस का कथन, किसका कथन है? लॉर्ड ब्राइस का कथन है, ठीक है। राजनीतिक दल संवैधानिक उपयोग का सहारा लेकर अपने सिद्धांत अथवा नीति को सरकार का आधार बनाने का प्रयत्न करता है, यह किसका कथन है? ठीक है, राजनीतिक दल संवैधानिक उपयोग का सहारा लेकर अपने सिद्धांत अथवा नीति को सरकार का आधार बनाने का प्रयत्न करता है, किसका कथन है? लॉस्की का, डुवर्जर का, मैकावियर का और लेनिन का, यह किसका कथन है? 43 का क्या होगा बच्चों बताइए? मैकावियर का यह कथन है। इसका कथन है मैकावियर का। राजनीतिक दलों को किसने विभिन्न वर्गों के हितों के प्रतिनिधियों के रूप में देखा है? ऑगे, ऑस्ट्रोगोस्की, माइकेल, लेनिन और डुवर्जर, किसने देखा है बच्चों? 44 नंबर का क्या होगा बच्चों बताइए? लेनिन। लेनिन जो है वर्गों के हितों में प्रतिनिधियों के रूप में देखा। संयुक्त राज्य अमेरिका में किस प्रणाली की प्रधानता है? एक दलीय प्रणाली, दो दलीय प्रणाली, बहुदलीय प्रणाली, एक प्रभुत्व दल प्रणाली। बताइए 45 नंबर का क्या होगा? दो दलीय प्रणाली की बहुलता है, दो दलीय प्रणाली। बहुदल प्रणाली किस देश में नहीं पाई जाती है? बहुदल प्रणाली जो है किस देश में नहीं पाई जाती है? भारत में, ब्रिटेन में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड। बहुदल प्रणाली किस में नहीं पाई जाती है बताइए? ब्रिटेन में जो है बहुदल प्रणाली नहीं पाई जाती है। 47 नंबर देखिए बच्चों, 47 नंबर क्या कह रहा है? 47 नंबर, ठीक है, 47 नंबर क्या कह रहा है? किस व्यवस्था को लोकतंत्री स्थायित्व का प्रतीक कहा जाता है? इस व्यवस्था को लोकतंत्री स्थायित्व का प्रतीक कहा जाता है। एक दलीय व्यवस्था, दो दलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था, दलहीन शासन। दो दलीय व्यवस्था को जो है लोकतांत्रिक अस्थायित्व का प्रतीक कहा जाता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए 48 नंबर। एक दलीय व्यवस्था किसका आधार है? एक दलीय व्यवस्था जो है किसका आधार है? ठीक है, तानाशाही का, राजतंत्र का, अध्यक्षात्मक सरकार का और सैनिक शासन का। बताइए 48 नंबर का जो है वो तानाशाही शासन का जो है व्यवस्था। एक दलीय व्यवस्था किसका आधार है? तानाशाही शासन का है, ठीक है बच्चों। लिंक पर जाके आप जो है वहां से पीडीएफ फाइल इसका डाउनलोड कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो है दिया हुआ है नीचे, वहां से भी आप पीडीएफ फाइल इसका डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो ये लास्ट हो गया, खत्म हो गया, प्रश्न कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट वीडियो में अगला यूनिट कराएंगे आप लोग को। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बरेली।